शुरुआत में दिखाया जाता है, जहाँ पर गबरू यानी गबराल अपने लैब में आता है, जहाँ पर गबराल के सारे हथियार रखे होते हैं। कहीं उनमें से एक हथियार को गबरू उस गबराल उठा लेता है और कहता है, भूतों का दुश्मन, रेतों का काल, मिलो मुझसे बच्चों, मैं हूँ गबराल। और यह कहकर बहुत खुश होता है और गबराल गबराल कहकर चिल्लाता है और कहता है, भूतों का नाशक, रेतों का काल, मिलो मुझसे बच्चों, मैं हूँ गबराल। किसी में है हिम्मत, किसी भूतों में है इतनी हिम्मत, आप तो नहीं भूतों को, किसी भूत में है इतनी हिम्मत जो गबराल का सामना कर सके, किसी में नहीं, किसी में नहीं। आओ, कोई है, कोई है भूत। तभी अचानक उसके लैब में गबराल की लापरवाही से एक शीशी गिरकर टूट जाती है। तभी इस शीशी के टूटने पर उनमें से एक भूत निकलता है, जिसे देखकर गबराल डर जाता है और जोर जोर से चीखने लगता है। तभी वहाँ विकराल आता है और उस भूत को दूसरी शीशी में बंद कर देता है और गबराल के पास जाता है और कहता है, गबरू के बच्चे, तू इस आफिस को भूतों का महल बनाकर छोड़ेगा। तभी गबराल कहता है, मैं क्या किया, मैं तो सिर्फ गबरू से गबराल बनने की कोशिश कर रहा था, भूत नाशक तुम्हारी तरह। तभी विकराल कहता है, अगर मेरी तरह बनना है तो हाथों का कम और अकल का इस्तेमाल ज्यादा करो। तभी गबराल पूछता है, विकराल ये लकड़ी कैसी है। तभी विकराल बताता है, ये कोई आम लकड़ी नहीं है गबरू, यह एक ऐसा हथियार है जिससे मैंने 2 साल पहले मसूरी के जंगल में आदम भेड़ियों को मारा था। तभी गबरू कहता है, भेड़िया वह तो कुत्ते की तरह होता है, उसे तो कोई भी मार सकता है। तभी विकराल कहता है, बच्चों ने भी यही कहा था। तभी गबराल फिर से पूछता है, कौन बच्चे विकराल। और विकराल कहता है, आओ मैं तुम्हें दिखाता हूँ डर का असली मतलब क्या होता है। तभी विकराल एक बटन दबाता है। तभी गबराल पूछता है, ये कौन सा बटन है, तुमने इसे मुझे छुपा कर रखा था, जादू जादू। तभी उनमें दिखाया जाता है, जहाँ पर विकराल कहता है, देखो भेड़िए की कहानी, जहाँ पर कोई बस दिखाया जाता है जिसमें कुछ लोग बैठ कर जा रहे होते हैं, जिसमें 2 लड़के और 2 लड़कियाँ भी होती हैं, और उनके सामने एक आदमी बैठा होता है जो न्यूज़पेपर पढ़ रहा होता है। तभी उन 2 लड़कों में से एक लड़का उस आदमी से उस न्यूज़पेपर को मांग कर पढ़ता है, जिसमें किसी गांव के बारे में, किसी आलमखोर भेड़िए के बारे में पढ़ता है जो कि वह भेड़िया 100 से भी ज्यादा लोगों को मार चुका था। और वह आदमी उन्हें बताता है कि जब कोई भेड़िया किसी इंसान का खून चख लेता है तो क्या होता है, यह आप लोग समझ चुके होंगे, लेकिन उन चारों को जरा भी विश्वास नहीं हो रहा था। तभी उनमें से एक लड़का उस भेड़िए को देखने की इच्छा करता है। तभी वो आदमी कुछ दूर जाने के बाद बस को रुकवाता है। तभी उन चारों को पता चलता है कि वह जिस जगह रुके थे वह गांव वही था जहां पर भेड़िए का आतंक था। तभी उस आदमी को ले जाने वाला वहां पर आता है। उसके बाद वह आदमी अपना नाम बताता है, जिसका नाम रणवीर सिंह सीमान होता है। तभी वे लड़के कहते हैं, अरे ये तो वही मशहूर शिकारी है, मैंने इनके बारे में पढ़ा है, जरूर ये आदमी उस भेड़िए को मारने के लिए आया होगा। तभी वह आदमी आगे जा रहा होता है, तभी कोई उस पर तीर धार लकड़ी से उस पर वार करता है। तभी उस आदमी के साथ आ रहा लड़का कहता है, साहब यही है करतार सिंह जिसके बारे में मैं आपको बता रहा था। तभी वह शिकारी आदमी कहता है, सुना है तुमने मारा है भालुओं को इस लकड़ी से, मगर भेड़ियों को क्यों नहीं मार पाए। तभी करतार सिंह कहता है, वो तो मेरे पास भी नहीं भटकता साहब, जिस दिन भटक गया छोड़ूंगा नहीं। वही वे चारों 2 लड़कियां और 2 लड़के वही जंगल की तरफ आ रहे होते हैं। तभी उनमें से एक लड़का पास में बैठे किसी आदमी से पूछता है कि भाई साहब क्या इस गांव में हमें ठहरने के लिए कोई जगह मिलेगी। तभी वह उन्हें रुकने के लिए सर्किट हाउस का रास्ता बताता है। उसके बाद वे चारों उस घर की तरफ निकल पड़ते हैं और वे काफी चलने के बाद सर्किट हाउस पहुँच जाते हैं, जो कि जंगल के बीचों बीच पहाड़ियों की ऊंचाई पर था। और वे बात कर रहे होते हैं, अगर यहाँ के इंसान इतने खतरनाक हैं, तो यहाँ के जानवर कितने खतरनाक होंगे। तभी उनकी आवाज़ सुनकर उनके सामने कोई आदमी आता है। तभी वे लड़के कहते हैं, हम लोग मुंबई से आए हैं, क्या हमें यहाँ एक रात रुकने के लिए जगह मिल जाएगी। तभी वो शिकारी रणवीर सिंह सीवान उन लड़कों को देखता है और पूछता है, तुम लोग यहाँ कैसे। तभी वो लड़की कहती है, हमने आपको पहचाना और आपसे मिलने के लिए चले आए, ताकि हम आपको उस भेड़िए को मारते हुए देख सकें। तभी रणवीर सिंह सीवाना कहते हैं, ये सब तुम लोगों को मजाक लग रहा है, और उन्हें वापस जाने के लिए कहते हैं। लेकिन अब वह बस 2 दिन बाद आने वाले थे, क्योंकि वह बस उस गांव में हफ्ते में सिर्फ 3 दिन चलती थी। अब उनके पास मजबूरी थी उन बच्चों को वहां रखने के लिए।
और ये सब कुछ बेकार और घबरा देख रहे होते हैं। तभी गबलू कहता है, यह आदमी तो ऐसे बच्चों को चिल्ला रहा है जैसे तुम मुझ पर और लीली पर चिल्लाते हो। और वहीं वे दोनों लड़के आपस में कुछ बातें कर रहे होते हैं। वहीं उस घर को देखभाल करने वाला माधव खाना बना रहा होता है। तभी वहाँ पर शिकारी रणवीर सिंह उसके पास रखे फ्रिज में नॉन वेज यानी मांस का टुकड़ा लाकर रखते हैं। तभी काफी समय बीत जाता है और रात हो जाती है। तभी वे दोनों लड़के रणवीर सिंह चिवाना के साथ शिकार पर जाने के लिए कहते हैं। तभी वह करतार सिंह से कहकर चला जाता है कि ये बच्चे किसी भी हालत में घर से बाहर नहीं निकलने चाहिए। तभी करतार सिंह बाहर से दरवाजा बंद कर देता है। तभी ये दोनों लड़के दरवाजा तोड़ने वाले होते हैं। तभी वहाँ पर करतार सिंह आ जाता है और उन्हें कहता है कि साहब ने कहा है दरवाजा नहीं खुलेगा, तुम लोगों की हिफाजत मेरा जिम्मा है। उसके बाद करतार सिंह वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद जंगल की झाड़ियों में उन दो लड़कों को अजीब की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। तभी वहाँ पर करतार सिंह भागते हुए आते हैं कि अचानक वो भेड़िया करतार सिंह पर हमला कर देता है। तभी यह आवाज़ सुनकर उनकी साथी एक लड़की बाहर निकलती है और उस भेड़िए को करतार सिंह को सामने देखकर वहाँ से भागने लगती है कि वो भेड़िया उस लड़की को भी दौड़ा लेता है। लेकिन अंधेरे के कारण वे लोग उस भेड़िए को नहीं देख पा रहे थे। लेकिन ये सब कुछ देखकर गबराल की हवा टाइट हो गई थी और गबरू डर के मारे कांप रहा था। तभी बिकराल कहता है, तो भाई गबराल अभी से डर गए? तभी गबराल कहता है, मैं ये पूछ रहा हूँ बिकराल, क्या यह भेड़िया उन बच्चों के आ गया? फिर दोबारा वे लोग देखते हैं कि रणवीर सिंह सिवान भागते हुए उन लड़कों और लड़कियों के पास जाते हैं जहाँ पर माधव भी भागता हुआ आता है। तभी शिकारी रणवीर सिंह कहते हैं, माधव मैंने उसका 3 गोलियां चलाई, वो मेरे सामने ही था लेकिन उसे एक भी गोली नहीं लगी। मेरे साथ आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ। उसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। तभी वो दोनों लड़कियाँ माधव के हाथ में बहुत सारा खून लगा हुआ देखती हैं। तभी माधव कहता है, दरअसल मैं सर्दियाँ काट रहा था कि अचानक चीखने की आवाज़ सुनी कि मेरी उंगलियाँ कट गई जिससे मुझे खून बहने लगा। कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा। वही वह शिकारी रणवीर सिंह दो लड़कों के पास भागता हुआ जाता है। तभी वे दोनों लड़के बताते हैं कि वह भेड़िया मेरे आंखों के सामने करतार सिंह को उठा कर ले गया। लेकिन वे एक ही बात सोच रहे थे कि वह भेड़िया करतार जैसे आदमी को कैसे ले जा सकता है। वही उन दो लड़कियों को प्यास लगती है लेकिन उनके पास पानी नहीं होता। तभी उनमें से एक लड़की पानी लेने के लिए रसोई में जाती है जहाँ पर माधव खाना बना रहा था। वही एक लड़की दीवार पर न जाने क्या देखती है कि डर जाती है और वही बिकराल कहता है, तुम्हें क्या लगता है भेड़िया कौन है? तभी गबराल काफी सोचने के बाद कहता है, आधे घंटे बाद बताऊं? तभी बिकराल कहता है, तब तक तो कहानी खत्म हो जाएगी। और कहता है, अच्छा तो देखो और सीखो, जो जैसा दिखता है वैसा होता नहीं, भूतनाशक बनने का पहला उसूल है। वही माधव खाना बनाने के लिए उस फ्रिज को खोलता है जिसमें शिकारी रणवीर सिंह द्वारा रखा हुआ मांस का टुकड़ा देखता है, जिसे देखकर माधव अजीब सी हरकतें करने लगता है। और यह सब कुछ वह लड़की भी देख रही होती है जो पानी लेने के लिए आई थी। और देखते ही देखते माधव उस मांस के टुकड़े को देखकर अजीब अजीब सा बर्ताव करने लगता है और देखते ही देखते उसके मुंह से दो नुकीले नुकीले दांत निकलने लगते हैं। वो बिल्कुल शैतानी भेड़िए की तरह दिखने लगता है और उसके नुकीले दांत देखकर वह लड़की जोर जोर से चीखने लगती है। तभी देखते देखते माधव बना शैतान उसे दौड़ा लेता है और वह लड़की भागते भागते अपने कमरे में जाती है और उन लोगों को बताती है कि माधव ही वह भेड़िया है और मेरे आंखों के सामने इंसान से भेड़िया बन गया। लेकिन वे जरा भी उसकी बातों पर विश्वास नहीं करते कि कोई भी इंसान भेड़िया भला कैसे बन सकता है। और उस लड़की की तसल्ली के लिए वे लोग दोबारा उसे माधव को दिखाने के लिए ले जाते हैं। लेकिन जब वे दोबारा देखते हैं तो माधव बिल्कुल सही होता है। उसके बाद अगली सुबह शिकारी रणवीर सिंह सिवान उस भेड़िए को पकड़ने के लिए जंगल में एक बकरी को बांध देते हैं और उस भेड़िए के आने का इंतजार करते हैं। तभी अचानक उन्हें वहाँ कोई आता हुआ दिखाई देता है। तभी अगले पल देखने पर पता चलता है कि वह माधव होता है। तभी शिकारी रणवीर कहते हैं, अगर तुम पर गोली चल रही होती तो? तभी माधव कहता है, एक बात कहूँ सर, भेड़िया यहाँ नहीं आएगा। अगर मैं आपको देख सकता हूँ तो भेड़िया भी आपको देख सकता है ना? उसके बाद वे दोनों लड़कियाँ पूछती हैं कि करतार सिंह का कुछ पता चला? तभी शिकारी रणवीर कहते हैं, नहीं, खून के निशान मिले लेकिन करतार सिंह का कुछ भी पता नहीं चला। तभी वहाँ पर वह लड़की अनुभागती हुई उनके पास आती है और उन्हें बताती है कि माधव ही भेड़िया है। तभी वह दूसरी लड़की कहती है, लगता है यह कोई बुरा सपना देखी है, इसके बातों पर विश्वास मत करिए। तभी वहाँ माधव नाश्ता लेकर आता है। तभी माधव को देखकर अनु वहाँ से भाग जाती है।
कभी रणवीर सिंह सिवान शिकार करने के लिए माधव को उस गांव वालों को और बुलाने के लिए कहते हैं। कभी माधव नाश्ता लेकर उस दूसरी लड़की के पास जाता है। कभी उस लड़की के हाथों में नोकीलेदार पेंसिल को देखकर माधव घबरा जाता है और वहाँ से भाग जाता है और वो भागते भागते उन दोनों लड़कों से जाकर टकरा जाता है। कभी वे दोनों लड़के कहते हैं तुम इतने घबराए क्यों हो, लेकिन माधव उन्हें कुछ बताए बिना वहाँ से भाग जाता है। कभी वे दोनों लड़के कहते हैं लगता है कुछ गड़बड़ है, कल सुबह बस आते ही हम यहाँ से निकल जाएंगे। वहीं अगली रात एक लड़का दरवाजे के सामने चाकू लेकर बैठा होता है। तभी वहाँ दूसरा लड़का आता है और कहता है अंदर चलो, कितना डेंजरस हो सकता है, अंदर चलो। तभी अचानक उस चाकू से उस लड़की की जरा सी उंगली कट जाती है और खून बहने लगता है। तभी वे दोनों माधव को बुलाते हैं और कहते हैं तुम्हारे पास कोई दवाई है, खून बह रहा है। तभी माधव जैसे ही खून बहता हुआ देखता है कि देखते ही देखते माधव अचानक वहाँ से भाग जाता है। उसके बाद वे दोनों डर के मारे अंदर चले जाते हैं। अंदर जाने के बाद वे बाहर देखते हैं कि माधव अजीब अजीब सी हरकतें कर रहा था। ऐसा मालूम पड़ रहा था कि उसका शरीर उसके काबू में ना हो और माधव ऐसे करते करते अपने कमरे में चला जाता है और उसका पीछा करते करते एक लड़का उसके कमरे में देखता है कि माधव के शरीर में अजीब सी हरकतें हो रही थी और वह धीरे धीरे करके मानव भेड़िया बनता जा रहा था और वह देखते देखते उसी पलों में पूरी तरह से भेड़िया बन जाता है। यह देखकर वह लड़का घबरा जाता है। तभी वह भेड़िया उसे दौड़ा लेता है। वहीं वह शिकारी रणवीर उस पर गोलियां चलाते हैं और वह लड़का जैसे तैसे करके कमरे में अंदर जाकर दरवाजा बंद कर लेता है। तभी वह भेड़िया शिकारी रणवीर पर हमला कर देता है और अंत में उसे भी जान से मार देता है और वे चारों घबराकर एक कमरे में जाकर दरवाजा बंद करके बैठ जाते हैं और वह लड़का कहता है वो माधव ही था। तभी वह दूसरा लड़का कहता है अच्छा तुम माधव को भेड़िया बनते हुए देखे। तभी वह कहता है नहीं, लेकिन जिस कमरे में माधव गए थे उसी कमरे से वह भेड़िया में निकला था। तभी वह दूसरा लड़का कहता है यह भी तो हो सकता है कि वह भेड़िया माधव सिंह के कमरे में छुपा हो और माधव सिंह को मार कर फिर बाहर निकला हो, माधव ही वो भेड़िया था। इसके बारे में वे लोग जरा भी विश्वास नहीं कर रहे थे। वहीं बाहर माधव उनको खाने के लिए कहकर वहाँ से चला जाता है कि बाहर आकर खाना खा लो, खाने का वक्त हो गया है। वहीं ये सब देखकर गवाल कहता है अरे मैं इसे छोड़ूंगा नहीं, मार डालूंगा मैं इस भेड़िए को, कहीं ये बाहर निकलकर मुझे न मार दे, मैं घबरा कैसे बनूंगा। उसके बाद वे लोग आगे की कहानी देखते हैं। वहीं वे चारों लोग इस भेड़िए के बारे में सोच रहे थे। वहीं काफी और रात हो जाती है। तभी वे चारों कमरे के बाहर निकलते हैं और उसी जगह उसी झाड़ी के पास जाते हैं जहाँ पर वह भेड़िया करतार सिंह को मारा था। तभी उन्हें किसी चीज की टूटने की आवाज सुनाई देती है। तभी उसी झाड़ी में वह मानव भेड़िया था। तभी देखते देखते वह भेड़िया उन चारों पर हमला कर देता है और वे चारों वहाँ से भागते हैं। वही विकार उस जाली लेंस को बंद कर देते हैं। तभी गबराल कहता है इसे रोक क्यों दिया, आगे दिखाओ ना क्या हुआ कहानी में, भेड़िया ने बच्चे को मार दिया। तभी विकराल एक सोने का सिक्का निकालता है जो कि गबराल सोने का बहुत ही लालची था और विकराल कहते हैं गबराल तुम्हें सोना चाहिए या कहानी का अंत। तभी गबराल काफी कंफ्यूज हो जाता है, सोना लूं या कहानी का अंत देखूं। लेकिन उसका लालच दोनों तरफ था, लेकिन वह अंत में कहानी का अंत देखने को तैयार होता है। तभी कहानी दिखाया जाता है जो कि सभी लोग उस भेड़िए से बचते हुए भाग रहे होते हैं और वह भेड़िया उन पर हमला करने वाला होता है। अचानक वहाँ विकराल आ जाते हैं और आते ही उन पर हमला कर देते हैं। विकराल को देखकर वह वहाँ से भागने लगता है, वो वहाँ से भाग कर कहीं छुप जाता है। तभी अचानक वो विकराल के पीछे आकर उन पर हमला कर देता है और उसके बाद विकराल और उसके बीच लड़ाई शुरू हो जाती है और वो दोनों एक दूसरे पर काफी समय तक हमला करते हैं। तभी विकराल एक तेज धार लकड़ी से उस पर वार करते हैं। उस लकड़ी से वार करते ही वो भेड़िया मर जाता है। उसके बाद विकराल उसे एक जाली शीशे में कैद कर देते हैं। वही गवाल कहता है वाह विकराल तुम तो बड़े ही फाइटर हो, तुमने तो कमाल कर दिया, इस लकड़ी से उस भेड़िए को मार डाला, मेरे साथ रहने का असर है विकराल। और यह लकड़ी अब मैं इस लकड़ी से दुनिया के सभी आदम भेड़िए को मार डालूंगा, फिर मैं गबरू से गबराल बन जाऊंगा। तभी अचानक उसके लापरवाही से एक और शीशे जमीन पर गिरने लगती है। तभी विकराल उसे बचा लेते हैं और कहते हैं बेवकूफ अगर इसे आजाद कर दिया होता तो इस शीशी से समुद्री लुटेरा आजाद हो जाता। तभी गबराल कहता है इसे कैसे पकड़ा था, इसकी भी कहानी सुनाओ ना विकराल।